जो हमारे देश में लंबे समय तक राजनीतिक उपेक्षा का बहुत बड़ा शिकार देश का मिडिल क्लास भी रहा है। आप में से ज्यादातर मेरी बात से को रिलेट कर पाएंगे। मिडिल क्लास का मतलब है वो वर्ग जो कठिनाइयों से लड़कर आगे तो आ गया, लेकिन उसके आगे सपनों और आकांक्षाओं का एक विशाल संसार होता है। लेकिन मिडिल क्लास के सामने पहले चुनौतियां भी कम नहीं थी। टैक्स का जंजाल, बच्चों की पढ़ाई का दायित्व, उन्हें अपने से बेहतर बनाने का तनाव, हर छोटे बड़े काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर, महंगे लोन का बोझ, एक तरह से पहले जीवन के हर दायरे में समस्याएं ही समस्या थी। ऐसे में मिडिल क्लास का जीवन तीन जरूरतों के इर्द गिर्द सिमट जाता था। एक, अपना घर बनाना, दूसरा बच्चों की शादी हो जाए, और तीसरा बच्चों को कहीं नौकरी मिल जाए। उसका जीवन बस इसी आधार पर सिमट जाता था। पिछले 10 वर्षों में हमने मिडिल क्लास को मुसीबतों में बांधने वाली हर बेड़ी को तोड़ दिया है। पहले 2 लाख की इनकम पर टैक्स लग जाता था, अब 7 लाख की इनकम भी टैक्स फ्री है। जीएसटी की वजह से लोगों के करीब साल भर में 45,000 करोड़ रुपया बचे हैं। बीते 10 वर्षों में होम लोन पर इंटरेस्ट रेट भी कम हुए हैं, पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट भी कम हुए हैं। पीएम सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं का लाभ सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग को मिल रहा है। Decisions with comprehensive analysis on the go. Strengthen your portfolio with real-time market updates on the go. Create effective strategies with insightful expert opinions on the go. Grow on the go with CNBC TV18, now streaming live 24/7 on YouTube. For more news and updates, all you need to do is follow CNBC TV18 on all of our digital platforms.